नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई भी बाइक होती है उसके अंदर जो है तकरीबन जो मैकेनिक होते हैं वो अलग अलग तरीके से जो है रिंग इंस्टॉल करते हैं, लेकिन सबका काम जो चलिए काम करने का तरीका तो अलग अलग होता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं किस तरीके से जो हूँ इनके अंदर ये रिंग इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो है स्प्लेंडर बाइक की एक ब्लॉक किट है और मैंने इसके अंदर 50 नंबर पिस्टन बोर कराया है। तो ये इसका पिस्टन है, यहाँ पर आप हीरो जैन देख सकते हैं, 50 mm का ये पिस्टन है और यहाँ पर 640 रुपये इसकी ये MRP है और इसके जो पिस्टन के ऊपर आप ये 50 लिखा हुआ देख सकते हैं। ये इसका इन भाग है और ये इसका एग्जॉस्ट भाग है। तो यहाँ पर इसके ऊपर सेल लिखा है, किसी के अंदर सेल पिस्टन आता है, किसी के अंदर उषा कंपनी का पिस्टन आता है। ये इसके रिंग है, ये इसके लॉक और ये इसकी पिस्टन पिन और ये हमारा इसके अंदर हो गया क्रॉस बोर। हम दोस्तों किसी भी बाइक के अंदर जब पिस्टन नैप बोर कराते हैं उसकी ब्लॉक किट के अंदर हम क्रॉस बोर करवाते हैं, तो इसके अंदर ये क्रॉस बोर है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सफाई है। तो यहाँ पर काम वैसे भी दोस्तों सफाई से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा किस तरीके से हम जो इसके अंदर ये रिंग इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि सबका जो है अलग अलग तरीका होता है पिस्टन के अंदर रिंग इंस्टॉल करने का। तो आज मैं आपको इसमें जेन्युइन तरीका बताऊंगा, जैसे हम करते हैं उसी तरह के ही दोस्तों आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजफुल वाला भी, सो प्लीज़ सभी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारे पास ये रिंग होते हैं, जैसे हमने इसके अंदर पिस्टन बोर कराया तो जो हमारे ऑयल रिंग होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं ये हमारे जो हैं दो ऑयल रिंग होते हैं किसी भी बाइक के अंदर जो फोर स्ट्रोक होती है और यहाँ पर ये एक्सपेंडर रिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दो इसके अंदर रिंग है ये होते हैं कंप्रेशन, जिसकी मदद से ये जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन बनता है, जिसको हम लोकल भाषा में कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। ये इसके कंप्रेशन रिंग है और यहाँ पर टॉप टू और ये टॉप वन लिखा है। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों इनके ऊपर टॉप वन और टॉप टू लिखा है, ये इसका मतलब है कि ये ऐसे जो है टेपर हैं, इनको टेपर टाइप में बनाया जाता है ताकि इनको हम आसानी से पता लगा सकें कि ये किस साइड से जो है टेपर है, इसलिए इन कंपनी जो है इनके ऊपर टॉप वन और टॉप टू लिखती है, ठीक। वैसे जैसे आपने देखा होगा अगर आपने टू स्ट्रोक बाइक का काम किया है और उसके अंदर हम रिंग डालते हैं तो वहाँ पर उनके रिंग भी जो है थोड़े टेपर टाइप होते हैं और वहाँ पर कट होते हैं, उनको डालने में आसानी होती है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर डाल के इसके अंदर कितना गैप है। तो आप इसको ऐसे रखें और ये जब आप इसको चेक करेंगे पिस्टन के द्वारा तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग के ब्लेड जितना ही इसके अंदर गैप है। और जो ये हमारा कंप्रेशन रिंग है इसको भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर सेविंग ब्लेड से भी बहुत ही कम गैप रहता है, ठीक है। इनके अंदर हल्की सी जो है आपको गैप देखने को मिलेगी, लेकिन इनके अंदर नाम मात्र ही गैप देखने को मिलता है। अब इसके अंदर सबसे पहले ये इसका लॉक है, यहाँ पर हम इसमें लॉक डाल लेते हैं। इन वाला भाग आपको ऊपर रखना है, तो यहाँ पर ये इसका लॉक है, इसको आपने किस तरीके से लगाना है इसको पहले आपने यहाँ पर रख देना है और यहाँ से इस साइड से इसको ऐसे करेंगे तो देखिए इससे जो है कुछ साउंड आई है और ये यहाँ पर लॉक हो गया, ठीक है। और ये इसकी पिस्टन पिन, इसको आप ऐसे डाल दें, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद सबसे पहले ये हमारी एक्सपेंडर रिंग होती है, यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें हम जो है ये होती है इसकी एक्सपेंडर रिंग। तो यहाँ पर हमने जो है इसको किस तरीके से डालना है, यहाँ पर ये हमारा इनटेक भाग है तो इसको हम एम शेप में रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है देखिए मैं आपको दिखा दूँ पिस्टन के अंदर यहाँ पर ये चार जो है होल हैं और पाँच अंदर हैं, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये पाँच यहाँ पर हो गए। तो जो हमारा सेंटर का होता है ये वाला ठीक है, यहाँ पर मैं इसके ऊपर ये M लिख देता हूँ, ठीक है। इनटेक भाग है ये, देखिए यहाँ पर इन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये IN और ये नीचे एक एग्जॉस्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी जाली है इसको आपने ऐसे पकड़ना है और जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है यहाँ पर इसको आपने ऐसे लगा देना है, यहाँ पर देखिए ये इसमें लग गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंडर रिंग हो गया, यहाँ पर आपने इसको एम शेप देनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इसकी एम शेप हो गई,
और जो बीच वाला होल है इसके सामने आपने इसको कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे ऑयल रिंग होते हैं। जब हम इनको ऐसे दबा के देखते हैं ना तो ये एक साइड में मूव करेंगे। आप कोई सा भी चेक कर लो, यहाँ पर देखिए ये एक साइड में मूव करते हैं। तो अगर इधर से पकड़ेंगे तो इधर मूव करेगा और इधर से पकड़ेंगे तो इधर मूव करेगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर ये इस साइड से आपने लगाना है, देखिए जैसे मुड़ रहा है ये, इसको आपने ऐसे करना है। और दूसरे वाले को जब ये नीचे मुड़ेगा इसको ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ऐसे मुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए जो ये डॉट है यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया ये वाला होल, इसके अंदर वाला, यहाँ पर आपने इसके नीचे बिल्कुल इसको कर देना है यहाँ पर, ठीक है। ये इनटेक भाग है हमारा। रिंगों को आप प्यार से लगाएं, कोई ज़बरदस्ती ना करें। ये ऐसे हो गया, थोड़ा बहुत होगा एडजस्ट कर लेना आप, अगर इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब ये दूसरे वाला, इसको भी आप ऐसे चेक करें किस साइड से ये मूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे लगाना है, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ का होल अंदरले वाला, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको लगा दिया, ये हमारा हो गया। अंदर इसके होल हैं ये वाले, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गए, ये हमारे यहाँ पर इनटेक भाग में जो है इसके ऑयल रिंग आ गए, देखिए, ठीक है, आ गया। ये सेंटर में आ गई, ये इस होल के ऊपर इसका जो है मुंह आ गया और इस वाले का कट ये इस वाले होल के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर कंप्रेसर रिंग, यहाँ पर टॉप वन और टॉप टू लिखा होता है। ये टॉप टू भी आपने जो है यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स जो यहाँ पर एग्जस्ट है, यहाँ पर जो अंदर का ये होल है इसके बिल्कुल ऊपर कर देना है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरीके से जो है रिंग को नीचे कर देना है। ये हमारा हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर भी निशान लगा लेता हूँ। ये हमारा एक्स भाग है और ये हमारा सेंटर भाग है और ये इसका, ठीक है, यहाँ पर ये अंदर का होल है। ये हमने इसको जो है इसके बिल्कुल ऊपर कर दिया। और ये वाला हमारा कंप्रेशन रिंग, याद रखिए ये टेपर होते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये जो है कंप्रेशन के लिए काम करते हैं और ये जो यहाँ पर रिंग है दो, ये ऑयल के लिए काम करते हैं। इनका ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बाइक के अंदर कंप्रेशन बनाते हैं, कितना जितना ज़्यादा कंप्रेशन बनेगा उतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है बाइक का पिकअप बनेगा, स्ट्रोक बनेगा, ये आप याद रखें। इसको आपने ऐसे लगा देना है। तो ये हमारा यहाँ पर इसके बिल्कुल ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा इनटेक भाग है और ये एक्स भाग है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख लें। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसके अंदर ये रिंग डाल दी। आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं जो हूँ दोस्तों इनके अंदर ये रिंग डालता हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं, इस पिस्टन को पहले ही क्रैंक में फिट करते हैं और उसके बाद इस ब्लॉकेट को जो है इसके ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ये रिंग जो है कई बार यहाँ से मुड़ जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, आप देख लेना। यहाँ से कई बार अगर ये पीछे जो है ब्लॉकेट नहीं जाएगी, यहाँ पर फंस जाएंगे तो यहाँ से रिंग ख़राब हो सकता है। तो इनको डालने का सबसे बेस्ट जो है तरीका क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने जो है इनके ऊपर ऑयल लगा लेना है और यहाँ पर भी इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर ये ऑयल लगा लिया है और इस पिस्टन के रिंगों के ऊपर भी हमने यहाँ पर ये ऑयल लगा लिया है। थोड़े बहुत अगर रिंग जो है घूमते हैं तो आप उनको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये मैंने यहीं पर एडजस्ट किए हैं और अब यहाँ पर इसके अंदर मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये भाग आपने इधर रखना है, ये इसका इनटेक भाग है और ये इसका एग्जॉस्ट भाग है, ठीक है। इसको आप ऐसे रखना, इनटेक वाले को यहाँ पर आप इसको ऐसे रखेंगे। तो ऐसे रखने के बाद आप जो है एक कपड़े का इस्तेमाल ज़रूर करें, साफ़ सुथरा कपड़ा आपको रखना चाहिए जब भी आप इंजन की फिटिंग करते हैं। आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है पिन पेंच कसिए, इससे आपने जो है ये जो रिंग होते हैं इनको अंदर की तरफ ऐसे ऐसे दबाना है ताकि ये जो है इसके अंदर ब्लॉकेट के अंदर चले जाएं, ठीक है। आपने इनको ऐसे नहीं दबाना, ऐसे ये रिंग ख़राब हो जाएंगे। आप यहाँ पर ऊपर हाथ रखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये कितनी आसानी से चले जाएंगे। देखिए इनको भी आपने ऐसे ही कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारे पिस्टन के अंदर रिंग इंस्टॉल हो गए और यहाँ पर आप इसको दो चार बार अप डाउन कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप इसको बिल्कुल सीधा रखें, इनटेक भाग एग्जॉस्ट भाग। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है दोस्तों मैंने आपको इसके अंदर ये रिंग इंस्टॉल करके दिखा दिए। हम जो है किसी भी बाइक के अंदर इस तरीके से जो है रिंग इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई भी मेरे पास बाइक आती है जैसे कि हीरो की, बजाज की, टीवीएस की, यामा की, किसी भी कंपनी की, तो सबके अंदर दोस्तों मैं इसी तरीके से रिंग डालता हूँ। मेरा कोई दूसरा मेथड नहीं है, ना ही दोस्तों मैंने आज तक यूज़ किया है, ठीक है। मैं सिर्फ इसी तरीके से ही रिंग डालता हूँ। इनके ऊपर भी दोस्तों एक सस्पेंस होता है कि मैं इस तरीके से जो हूँ रिंग यूँ डालता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जब भी मुझे टाइम लगेगा कि यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से मैं रिंग क्यों डालता हूँ, इनका यहाँ पर ऐसे डालने का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा क्यों इस तरीके से मैं जो हूँ इनके अंदर ये रिंग इंस्टॉल करता हूँ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। साथ ही दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।